यूपी का सीतापुर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बुलंदी में प्रतिभाग के लिए सीतापुर के कवि एवं साहित्यकार यासीन इब्ने उमर को तीसरी बार फिर आमंत्रित किया गया। इससे पहले दो बार और यासीन इब्ने उमर सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बता दें, यह संस्था अपने ही बनाए रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए भी पहचानी जाती है। इस संस्था ने 2021 और 2022 में क्रमशः 207 और 400 घंटे अनवरत वर्चुअल कवि सम्मेलन आयोजित करके दो बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। आइए पहले जान लेते हैं कार्यक्रम में आयोजित सीतापुर के साहित्यकार यासीन इब्ने उमर का क्या कहना है। ये एक साहित्यिक संस्था है, बुलंदी के नाम से चलती है, जो उत्तराखंड के बाजपुर से संचालित होती है और बादल बाजपुरी साहब इसको संचालित कर रहे हैं और इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले 221 घंटे का एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें मुझे शामिल किया गया था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे लॉन्गेस्ट कवि सम्मेलन और मुशायरा। उसके बाद उन्होंने अपने ही उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 400 घंटे का एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें भी मुझे शामिल किया गया था। और अब वो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और इन्होंने अपने ही इस 400 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ने का बीड़ा उठाया है, जिसको 10 जनवरी से शुरू किया गया है। ये कवि सम्मेलन इस वक्त अनवरत जारी है और इसमें इस बार फिर मुझे शामिल किया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है। मैं बहुत अपने आप में फख्र महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस संस्था का कि उन्होंने मुझे इसमें प्रतिभाग करने का अवसर दिया। ये हमको सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा संपर्क इनसे हुआ था, क्योंकि मैंने अपना साहित्यिक सफ़र सीतापुर की एक बज़्म उर्दू संस्था है जिसके माध्यम से मैंने अपना साहित्यिक सफ़र शुरू किया था और उसके बाद हिंदी की एक साहित्यिक संस्था अन्नपूर्णा साहित्य संगम के माध्यम से मैं आगे बढ़ता गया और अनिल द्विवेदी जी के साथ में रहकर बड़ा साहित्य के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। आई इंडिया के भी मैंने कई कार्यक्रम पढ़े हैं। इसी सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे अपने उस आयोजन में मुझे शामिल किया गया था और पहला आयोजन उनका ऑनलाइन हुआ था और उसमें वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी को जोड़ा जाता है, उसमें मुझे शामिल किया गया था और इस बार भी ऑनलाइन ही ये कार्यक्रम संयोजित हो रहा है जिसमें मैंने अपने दो सहयोगियों को भी शामिल किया है, रामकिशोर श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी गीता किशोर श्रीवास्तव जी को। मैं संदेश यही देता हूँ कि साहित्य को साहित्य ही रहने दिया जाए और जो भी साहित्यकार हैं, साहित्य लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है और मैंने इसी आधार को चुनकर हमेशा एकता और सद्भाव की बात की है अपनी शायरी के माध्यम से। और अन्नपूर्णा साहित्य संगम भी एक ऐसा ही माध्यम है जहां पर साहित्य के द्वारा शहर के सद्भाव को बनाने की कोशिश की जाती है। मैं हमेशा उसमें रहता हूं और मैंने वहीं से ये सब सीखा है और मैं उस संस्था का भी बहुत ही आभारी हूँ कि उसके माध्यम से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला और ये सीतापुर के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे सीतापुर का नाम मेरे माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और सीतापुर के लिए भी बहुत खुशी की बात है। बता दें कि शहर के मोहल्ला पत्तनसराय निवासी यासीन इब्ने उमर सीतापुर के संस्था अन्नपूर्णा सेवा संस्थान साहित्य संगम से जुड़े हुए हैं। आई इंडिया पर भी उन्होंने अपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन्हें संस्था बुलंदी के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कवि बादल बाजपुरी और संरक्षक कवि पंकज प्रकाश द्वारा आमंत्रित किया गया है। बुलंदी संस्था उत्तराखंड के बाजपुर से संचालित होती है। संस्था का उद्देश्य नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करना है। इस बार 10 जनवरी से कवि सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। संस्था की तैयारी अपने ही 400 घंटे की तोड़ने की है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।